नमस्ते, देखिए मेरा स्ट्रॉक फ्लावर प्लांट है, कितना खूबसूरत है। फूल तो सुंदर हैं ही, इनकी पौध भी बहुत ही हेल्दी है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इन्हें इतना सुंदर हेल्दी बनाकर रखा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी तरह का सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। स्ट्रॉक फ्लावर विंटर का प्लांट है। इसकी छोटी पौध मैंने नवंबर के पहले सप्ताह में लगा लिए थे। इनके पॉट की मिट्टी बनाने के लिए मैंने 3 भाग किए थे। पहला भाग गार्डन की मिट्टी, दूसरा भाग बालू और तीसरा भाग काऊ डंग कंपोस्ट, यानी कि गाय की गोबर का खाद जो कि कम से कम 1 साल पुराना हो। 1 मुट्ठी नीम खली भी मिलाई थी। नीम खली एंटी बैक्टीरियल होता है या बैक्टीरिया को मारता है, या एंटी फंगल भी है यानी कि फंगस को भी मारता है। बालू मिट्टी में पानी को रुकने नहीं देता है, मतलब अगर हम पानी को पॉट में डालते हैं तो नीचे से सारा एक्स्ट्रा पानी तुरंत बाहर निकल जाता है। मिट्टी में स्टोर नहीं होता है, पौधा खराब नहीं होता है। देखिए मेरा ये इस पॉट की मिट्टी को देखिए, ये कितनी ही भुरभुरी है। इसमें पानी जब मैं डालती हूँ तो बिल्कुल ही पानी इसमें नहीं रुकता है। काउडंग कंपोस्ट तो हमने इसमें डाल ही दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के अंतराल पर इसमें बदल बदल कर फर्टिलाइज़र डालने होंगे। जब हम छोटे पौध को लगाते हैं तब इनकी रूट नाजुक होती है, उस समय NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इन्हें दें, इनकी जड़ मजबूत होगी। 10 दिन के बाद DAP के कुछ दाने इनकी मिट्टी में कुड़ाई करके डालें। इसके अलावा सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र पूरे सीजन देते रहें। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सरसों खली को 5 दिन के लिए पानी में भिंगो कर रख दें, फिर उसमें 10 भाग पानी मिलाकर इनकी ज़रूरत के हिसाब से गमलों में डालें। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दी के पौधों के लिए वरदान है, इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, साथ ही यह गर्म भी होता है, इसलिए विंटर के पौधों को बहुत पसंद आता है। कीड़े स्टॉक को लगते नहीं हैं और इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र देने के बाद पौधे खूब स्वस्थ रहते हैं, तो कीड़े लगते भी नहीं हैं। देखिए मेरी पौधों को देखिए, कहीं भी फंगस या कीड़े का कोई अटैक नहीं है। इनकी पत्तियाँ बिल्कुल ही स्वस्थ हैं और कितनी ही घनी हैं। जब पौधे हेल्दी होंगे तो इनमें फूल भी हेल्दी ही होंगे। फूल इनमें 2 तरह के आते हैं। पहला ये सिंगल पेटल, ये देखिए ये सिंगल पेटल है, इसमें पत्तियाँ कम हैं। और ये दूसरा डबल पेटल, इसमें पत्तियाँ ज़्यादा हैं, पंखुड़ियाँ फूलों की। ये थोड़े घने निकलते हैं और ये थोड़े पतले से निकलते हैं। सीड इसमें बनते ही रहते हैं जो कि नीचे से सीड बनते जाते हैं और फूल ऊपर की ओर चले जाते हैं। इनके फूल स्टॉक में आते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और नीचे की तरफ से फूल सूखते भी जाते हैं। आप चाहें तो नीचे की तरफ के फूल को इस तरह से तोड़कर हटा सकते हैं, तब और भी ज़्यादा इनके स्टिक निकलते जाएंगे नीचे से और नए नए फ्लावर स्टिक तैयार होते जाएंगे। धूप इसे 2-3 घंटे की मिल जाए तो काफ़ी होती है। स्टॉक फ्लावर प्लांट की पिंचिंग नहीं होती है, ये खुद से घने होते रहते हैं। देखिए इनमें मैंने कहीं से भी पिंचिंग नहीं की है, इनके सारे ब्रांचेज खुद से ही इतने सारे तैयार हुए हैं, नीचे से ही, यहाँ नीचे से सारे ब्रांचेज तैयार होते चले गए हैं। पानी इन्हें इनकी ज़रूरत के हिसाब से दें, यानी कि पॉट की मिट्टी जब ऊपर से 1 इंच सूख जाए तब, सूखा भी नहीं रखें नहीं तो यह पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है, क्योंकि इसमें फ्लावर भी खूब बनते हैं। इतने सारे फ्लावर बनने की वजह से इन्हें पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। इनके फ्लावर
दिसंबर महीने से खिलने लगते हैं जो कि अप्रैल महीने तक बने रहते हैं। इसके बाद यह पौधा सूखने लगता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते।